गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ बड़ा बनाने। मैंने इसे रात भर के लिए भिगो दिया था और अभी जार जो है इस पे मैं ट्रांसफर करने वाली हूँ। अभी मैं दही बड़ा बनाने वाली हूँ। अब तो आप सोच रहे होंगे कि अभी भूल ही गया है, तो उसमें तो दही बड़ा बना था, फिर क्या ज़रूरत आ गई। तो पहले मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, उसके बाद बताती हूँ। एक सेकेंड रुकिए। अब मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़ा, क्योंकि मैंने आपको इसके पहले वाले ब्लॉग में, जो कि मैंने अभी कल ही अपलोड किया है, मैंने आपको बताया था कि एक बात है जो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, और ये ब्लॉग मैं आज स्टार्ट करने वाली थी, इसलिए मैंने कल नहीं बताया, मैं आज बता रही हूँ। मैंने इमली की मीठी चटनी भी बनाई थी, तो वो दही बड़ा के लिए था, क्योंकि कोई स्पेशल आने वाला है। कौन आने वाला है वो तो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। तो बस उसी की फरमाइश थी कि तुम्हारा ब्लॉग देखा मैंने, तो उसमें जो तुमने दही बड़ा बनाया था, जो डेकोरेट किया था, मतलब अच्छे से प्रेजेंटेशन जो दिया था, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं आ रही हूँ, जी हाँ, वो लड़की है तो बोली कि मैं आ रही हूँ तो मेरे लिए भी दही बड़ा बनाना, तो उसकी स्पेशल फरमाइश से मैं दही बड़ा बना रही हूँ। कल उसकी गाड़ी है तो कल ही वो आ जाएगी, तो मैं फटाफट से मैंने सोचा कि एक दिन पहले दही बड़े तैयार कर लेती हूँ, जैसा कि मैंने पिछली बार भी रेडी किया था। बट पिछली बार मीठी चटनी नहीं थी, लेकिन पहले ऑर्डर मिल चुका था, तो मैंने सुकून से मीठी चटनी भी बनाई और अब दही बड़ा बनाऊँगी। तो फटाफट से इस काम को करते हैं। नाश्ता बन चुका है तो मैंने इसमें हाथ लगाया है, मैं फटाफट से इस रेसिपी को पूरा करती हूँ, है ना। कौन आ रहा है ये या तो आपको ब्लॉग के लास्ट में पता चलेगा, या फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, होपफुली मैं इसी ब्लॉग में बता दूंगी। आप बने रहिए कि कौन आ रहा है और मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ, क्योंकि पहले मुझे ये बनाना है, ठीक है। तो पहले इसे पीस लेते हैं अच्छे से। अभी मैं आई हुई हूँ ठेकुआ बनाने के लिए। तो मैं सिंपली, मैंने यहाँ पे आटा लिया है, कोई मैदा वैदा नहीं लिया है, और इसको मैं आटे में ही बनाने वाली हूँ। इसमें मैंने डाला है सौंफ और ये है खाने वाला मीठा सोडा, बेकिंग सोडा। इसको अच्छे से मिलाऊँगी और इसे मैं छानूँगी। ये चीनी का चाशनी है, इससे मैं इसको छानूँगी। तो फटाफट से मैं पहले इसे मिला लेती हूँ, उसके बाद इसे छानेंगे एंड देन हम अपना ठेकुआ बनाएंगे। ये हमारा ठेकुआ भी रेडी हो चुका है, बन के एकदम करारे ठेकुआ रेडी है। आप आवाज़ सुन सकते हैं कितने कुरकुरे बने हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और मैंने जो कल दही बड़े बनाए थे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा टेस्ट भी कर लेते हैं, है ना। स्पेशली मैंने दही बड़े के लिए यहाँ पर मीठी चटनी बनाई है यार, तो थोड़ा टेस्ट करना तो बनता है, क्या बोलते हैं आप? तो मैं हरी चटनी नहीं डालने वाली हूँ, मीठी चटनी। ये दही बड़ा मेरा, मैं वापस आ गई हूँ, दही बड़ा खाऊंगी अभी। मैंने कल ठेकुआ बनाया, दही बड़ा बनाया, उसके बाद मैं बिज़ी हो गई, मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। मैं नॉर्मली ये ठेकुआ ऐसे नहीं बनाती हूँ, बट हम लोगों का आउटडोर पार्टी होता है, जैसे कि आपको पता ही है, आउटडोर मतलब बाहर में जो पार्टीज वगैरह होते हैं, तो उसमें रसगुल्ला हुआ या फिर गुलाब जामुन हुआ, ये सारी चीज़ें बनती है। तो रसगुल्ला और गुलाब जामुन जो मिठाई होता है वो तो ख़त्म हो जाता है, बट नॉर्मली उसकी जो चाशनी होती है वो बच जाती है बहुत ज़्यादा। तो उसको वेस्ट करने की जगह, मेरे घर में ठेकुआ हवी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसको वेस्ट करने की जगह मैं उसकी जो चाशनी होती है वो सौंफ वगैरह डाल के आटे में गूँथ के अच्छे से उसका ठेकुआ बना देती हूँ। यूज़ भी हो जाता है, वेस्ट भी नहीं होता है, पैसा लगाया और मेहनत की चीज़ है, तो किसी भी चीज़ को वेस्ट क्यों जाने दे। तो मैं अक्सर ऐसे बना के रखती हूँ घर पे, एक स्नैक्स के तौर पे भी हो जाता है और अच्छा लगता है, और क्या। तो इसलिए मैंने ठेकुआ बनाया। वैसे ठेकुआ बनाने का ऐसा कुछ स्पेशल प्लान नहीं था,
और रही बात दही बड़े की, तो दही बड़े मैंने क्यों बनाया है, मैंने दही बड़ा इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था या फिर इसी ब्लॉग में बताया था, मुझे याद नहीं है, कि कोई आने वाला है, तो जो आने वाला है मैंने सोचा कि मैं रिवील कर ही देती हूँ, वो कल ही आने वाली है। तो जो आने वाली है वो है मेरी दी। हम लोग एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं। ट्रिप क्या मतलब, वो दिल्ली में रहती है तो ज़्यादातर गांव जाना नहीं हो पाता है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक विज़िट कर लिया जाए थोड़ा। बहुत नानी घर से भी कॉल आ रहा था, बुआ घर से भी, मतलब बहुत सालों से आता है, बट हम लोग का हमेशा जाना नहीं हो पाता है, काम के सिलसिले में बिजी रहता है आदमी, इसकी वजह से। तो इस बार हम लोगों ने पूरा एकदम प्लान बनाया कि नहीं यार, इतना सब फ़ोन करके बुला रहे हैं तो चलो एक ट्रिप मार ही लेते हैं, घूम ही लेते हैं। तो उसने भी बोला चलो ठीक है फिर मैं आती हूँ, तो वो आ रही है। और उसने स्पेशल फरमाइश की थी दही बड़े की, तो उसके लिए दही बड़ा बना, और लगे हाथ चाशनी बची थी तो मैंने ठेकुआ भी बना लिया। तो बस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैंने सोचा कि दही बड़ा एक बार टेस्ट भी कर लिया जाए। दी की बेटी का डिमांड है फ्रूट कस्टर्ड का, कि मासी मुझे फ्रूट कस्टर्ड खाना है, तो मैंने बोला ठीक है आओ तो तुरंत ही बन जाएगा, तो उसके लिए फ्रूट कस्टर्ड भी बनाना है। तो आई थिंक कल उनकी गाड़ी है, तो वो लोग देखते हैं रात में आते हैं या परसों मॉर्निंग में आते हैं, कैसे कब का ट्रेन का टिकट होता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें चल रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। होपफुली बहुत जल्द आपको गांव का भी ट्रिप देखने को मिलेगा, मेरे नानी घर, मेरे बुआ घर का, और वहाँ पे आपको भोजपुरी भी सुनने को मिलेगी लैंग्वेज, क्योंकि घर में ओबियसली सब भोजपुरी बोलते हैं, हम लोग बिहार के हैं और मेरी नानी साइड जो है वो यूपी का है, तो दोनों साइड में बिहार में या फिर यूपी में भोजपुरी ही बोला जाता है। थोड़ा बहुत टंग्स जो होता है वो चेंज होता है, बट मोस्टली वो भोजपुरी में ही आता है, तो आपको भोजपुरी लैंग्वेजेस भी सुनने को मिलेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत दिनों बाद जा रही हूँ, तो बस यही अपडेट देना था आपको। तो मैंने सोचा कि अपडेट दे देती हूँ। नेक्स्ट डे हो गया है, मैं जा रही हूँ अभी अपना दही बड़ा फिनिश करूँगी, उसके बाद वो लोग आ रहे हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें तैयारी करनी होती है, आपको पता ही है कोई भी एक आदमी घर पर आता है तो, और वो तो मतलब मेरी दिल मेरी जान सब कुछ है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आपको मेरे फेस पे स्माइल देख के समझ आ रहा है कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ। तो चलिए लग जाते हैं काम पे और देखते हैं क्या होता है, और इस ब्लॉग में और क्या दिखा पाती हूँ मैं आप लोगों को, है ना। तो बने रहिए और फटाफट से पहले दही बड़ा टेस्ट करते हैं। मैंने दही बड़ा खा लिया है और अब बारी है लंच के प्रिपरेशन की। तो मैं देसी तरीके से यहाँ पर आपको कटहल की जो सब्जी है वो मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिंपली तीन प्याज को अच्छे से पतला पतला चॉप कर लिया है, और उसके बाद इसमें मैं सूखे मसाले डाल रही हूँ। उसमें मैंने डाला है धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और ये जाएगा गरम मसाला। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा, हाँ ये गया हमारा गरम मसाला। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, मैंने एक टमाटर डाला है, और अब मैं इसमें डालूंगी सरसों का तेल। जी हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ेगा, ये मैंने डाल दिया सरसों का तेल यहाँ पे। और ये जो हमारा मिक्सचर है इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे, ठीक है, अच्छे से मिलाएंगे, अच्छे से मसाले को मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर कटहल डाल दिया है। कटहल जो है इसको भी हम लोग अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे, और ये सब हम लोग नीचे ही मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इसका जो स्वाद है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलीशियस आता है। आप इस तरीके से एक बार बनाइएगा ज़रूर, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो। और बस अब हम इसे क्या करेंगे कि 10 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे, बस 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा तेल डाला है एकदम जरा सा, उसमें हम डाल देंगे जीरा। खड़े मसाले में मैंने थोड़ा सा दालचीनी और इलायची डाल लिया है, और कुछ भी नहीं, और जाएगा यहाँ पे तेजपत्ता हमारा, बस यही है हमारे खड़े मसाले, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं जाएगा इसमें। हमारा मसाला भून चुका है और हम अभी इसमें इसको ऐड कर देंगे, और इसे हाई फ्लेम पे हमें 5 मिनट तक जो है वो पकाना है, 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे, ठीक है, बिना पानी वगैरह कुछ भी डाले हाई फ्लेम पे ऐसे इसे 5 मिनट तक पकाना है। 5 मिनट जब आप इसे भूनेंगे ना हाई फ्लेम पे, तो इससे बहुत ही अच्छी अरोमा आने लगती है कटहल की,
बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो 5 मिनट तक मैंने इसे भून लिया है और अब ये जो पानी है इसमें, जिसमें मैंने कटहल को मेरीनेट किया था उसमें मैंने 1.5 कटोरी पानी ली है और बस सिंपली इसमें हम ये पानी डाल देंगे। ठीक है, इसको अच्छे से मिलाएंगे। ओके, और उसके बाद हम फ्लेम को करेंगे मीडियम और 45 मिनट तक इसे हम कुक होने देंगे। मैंने 1 सेकंड पहले, कैमरा गंदा हो गया है, मैंने ये कटहल की देसी तरीके की रेसिपी फेसबुक पे ऐसे ही स्क्रॉल करते वक्त देखा था, तो मैंने एक बार ट्राई किया था, बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। तो मैंने सोचा आज के भी लंच में वही बनाते हैं और बहुत इजी होता है। आपको सारा चीज़ एक बार में अच्छे से मिक्स करो नीचे और उसके बाद बैठा दो एकदम लो मीडियम फ्लेम पे, रिलैक्स होके 1 घंटे 1.5 घंटे तक पक रहा है वो आराम से। और आपको तो पता ही है मसाला जितना ज़्यादा भुनेगा वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और आपको टेंशन भी नहीं रहता है चलाने का, क्योंकि आप ऑलरेडी इसमें पानी डाले हो कम है तो आराम से बनता है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है ये और टेस्ट भी लाजवाब होता है। तो बस, तो मैं ऐसे ही ज़्यादातर बनाती हूँ कटहल की सब्ज़ी, आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी आई थिंक 1.5 घंटे हो चुके हैं तो अभी उसके बाद मैंने ट्राई भी नहीं किया है जाके, मैं 1 घंटे के बाद ही चलाऊँगी क्योंकि भरपूर उसमें पानी डाला हुआ है तो वो वैसे भी नीचे लगने का कोई चांस नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि मैंने ये ब्लॉग काफ़ी लंबा कर दिया है तो मैं इस ब्लॉग को और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। मुझे कुछ छोटी छोटी चीज़ें करनी है, दी आ रही है तो उसका ट्रेन जो है वो कल का है तो वो कल ट्रेन में बैठेगी और देखते हैं शायद रात तक आएगी या फिर परसों आएगी, अभी कुछ बताया नहीं है, उससे बात नहीं हुई है तो कुछ आइडिया नहीं है। तो जो भी हो, मैंने ये कटहल की रेसिपी आपको सोचा कि इस ब्लॉग में दिखाते चलूँ, तो बने रहिए और लास्ट जब बन जाता है तो उसकी शक्ल कैसी आती है मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, तो वेट करते हैं बनने का, सब्जी है ना। आइए अब हम देखते हैं अपनी सब्जी की शक्ल। वाह, आपको याद होगा हमने इसमें खड़े प्याज डाले थे एकदम, आपको कहीं पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ प्याज गया। मैंने इसे 1 घंटे 10 मिनट के लिए पकाया है और हमारी सब्जी देख रहे हैं, एक बार हम लोग कटहल जरा चेक कर लें कि हुआ है कि नहीं। देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कुक हो चुका है हमारा सब्जी और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है। आप इसकी शक्ल देख लो यार, लग ही नहीं रहा है कि हम लोगों ने इसमें खड़े मसाले सब डालेंगे, अच्छे से पूरा कुक हो चुका है बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। वाह, दिख रहा है बहुत अच्छे से हमारी सब्जी बन चुकी है, मैंने अभी आपको दिखाया और कलर इतना अच्छा आया है, पता नहीं कैमरा अच्छे से दिखा पा रहा है कि नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया हुआ है। तो अब मैं और ज़्यादा रेसिपी इस ब्लॉग में आपको नहीं दिखाऊंगी, आप भी बोर हो जाएंगे, इस ब्लॉग के लिए इतनी रेसिपी बहुत ज़्यादा है। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी और होपफुली हम लोग कल आपसे मिलते हैं और कल नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, दी आ रही है तो उसकी एक्साइटमेंट तो है ही, जो कि बहुत ज़्यादा है, नेक्स्ट लेवल पे है। तो मैं कल मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और क्या करना है आपको, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार देना है, तब तक के लिए बाय।